हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुमित। मैं हमेशा आपको अमेजिंग जानकारी देता हूं। आज मैं बताता हूं ऑनियन कतर में आप ऑनियन को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों कतर, एक्चुअली दोस्तों हमारे देश के बहुत लोग कतर में काम करते हैं, इसलिए ऑनियन की डिमांड है और वैसे भी डिमांड है क्योंकि वो डेजर्ट एरिया है। दोस्तों हमारी जो कंपनी सुप्रिया ग्लोबल एक्सिम कंपनी, ये 2 दिन की वर्कशॉप करवाती है दोस्तों, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वर्कशॉप। पहले दिन इंडिया के इनोग्रेशन के बारे में बताया जाता है, इंडिया में लाइसेंस कैसे लिए जाते हैं, कैसे शिपिंग किए जाते हैं, क्या इंपोर्ट ड्यूटी होती है, कैसे एग्जीबिशन में भाग लिया जाता है। हम कुछ डिप्लोमेटिक तरीके बताते हैं दोस्तों, वो डिप्लोमेटिक तरीके से आप दोस्तों बायर ढूंढ सकते हैं, सेलर ढूंढ सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं ये असली है या डिफॉल्टर। हम एक प्रोग्राम भी देते हैं जिससे आप घर बैठ के अपने ऑफिस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू कर सकते हैं। दोस्तों एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू कीजिए और काफी बेनिफिट्स कमाइए। दोस्तों आप सारे लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, जिसके दलाल के पास आपके जाने की जरूरत नहीं है, और जब वो बन जाएंगे तो आपके मेल पे आ जाएंगे। दोस्तों सेकंड डे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डे, कॉन्टिनेंटल डे। कॉन्टिनेंटल डे में उस देश के बारे में बताते हैं जिस देश में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, उसकी इंपोर्ट ड्यूटी क्या है, क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है, लाइसेंस कैसे लिए जाते हैं, कैसे वहां कंपनी एस्टेब्लिश की जाती है दोस्तों, और हम पैकेजिंग करने के बहुत अलग तरीके बताते हैं दोस्तों, क्योंकि अलग देशों की जलवायु क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग रहती है। अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में आपका सामान ज्यादा दिनों तक चले तो वो कैसे आप उसको रख सकते हैं, तो ये चीजें हम आपको बताते हैं दोस्तों। पहले मैं आपको ओनियन, देखो दोस्तों ओनियन एक्सपोर्ट करो, ओनियन एक्सपोर्ट करो ऐसा नहीं है। ओनियन की बहुत सारी किस्में होती है, नस्ल होती है, वैरायटी होती है, उनको कौन कौन सी वैरायटी होती है, उनको कौन कौन सा एक्सपोर्ट किया जाता है, किन किन देशों में कौन कौन सी प्याज को एक्सपोर्ट किया जाता है, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ओनियन एक्सपोर्ट करने से ऐसा नहीं है कि चलो भाई ओनियन एक्सपोर्ट करो। अब मैं आपको बताता हूं किस्म के बारे में। दोस्तों 5 या 6 तरह की किस्म होती है और साइज बताता हूं क्या एक्सपोर्ट की जाती है। दोस्तों एक बात याद रखें, जो कतर में ओनियन एक्सपोर्ट होती है ना, उसका साइज 50 mm से ज्यादा होना चाहिए, 50 mm से ज्यादा होना चाहिए, mm से ज्यादा होना चाहिए। मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसमें वो मापा कैसे जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्तों वर्नियर कैलिपर, उससे हम ओनियन की साइज को मापते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों आप मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दूंगा मैं आपको कैसे मापा जाता है ओनियन को। 50 mm से बड़ी ओनियन, बड़ी प्याज आप कतर में एक्सपोर्ट करें। ओनियन की मैं आपको 5 किस्में बताऊंगा। पहली है पोडिसू, दूसरी है रेड रेड ओनियन लाल रंग की प्याज, तीसरी है व्हाइट ओनियन सफेद रंग की प्याज, चौथी किशनपुरम रोज ओनियन और पांचवी है बेंगलुरु रोज ओनियन। इसमें दोस्तों जो रेड ओनियन है और जो जिसका साइज 50 mm से ज्यादा है वो कतर में काफी एक्सपोर्ट की जाती है दोस्तों। अब मैं दोस्तों आपको बता रहा हूं कतर में, कतर के बारे में, कतर के कौन से सी पोर्ट से जहां पर एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों कतर जो है दोस्तों उसकी राजधानी दोहा है, भाषा अरबी है, मुद्रा रियाल है दोस्तों, और जब भी आप बात करेंगे तो 974 उसका कॉलिंग कोड है दोस्तों। कतर के जो सी पोर्ट्स हैं, जो मैं आपको सी पोर्ट्स बता रहा हूं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं, ये आप ध्यान रखें। इस पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है, आप इस पे अप्लाई करें। अल शाहीन सी पोर्ट्स, अल उदैद सी पोर्ट, दोहा सी पोर्ट्स है, हलूल सी पोर्ट्स है, हनान सी पोर्ट्स है दोस्तों, रास लाफिन सी पोर्ट्स है, ये मैंने आपको सी पोर्ट्स बताए दोस्तों। इसमें आप बहुत अच्छी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की फैसिलिटी है दोस्तों। एयरपोर्ट से भी आप बाय प्लेन भी आप दोस्तों भेज सकते हैं। ये अल खोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोस्तों, दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो वहां की राजधानी दोस्तों, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये चीजें आप वहां पर भेज सकते हैं दोस्तों। तो मैंने बताया दोस्तों ये चीजें आपको, प्याज की नस्लों के बारे में बताया, सी पोर्ट्स के बारे में बताया। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी पूछना हो, या आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी हो, तो दोस्तों हमारे स्क्रीन पर जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है डायरेक्ट मुझसे कॉल करके मुझसे बात कीजिए दोस्तों बिना झिझक, और हमारे 2 दिन की वर्कशॉप अटेंड कीजिए दोस्तों। बिजनेस करना है तो बिजनेस का गोल्डन रूल याद रखिए दोस्तों, आपके पास पैसा कम होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए, बिजनेस दोस्तों हमेशा ग्रो करेगा। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है, प्रैक्टिकल नॉलेज कम है दोस्तों, बिजनेस हमेशा लॉस में जाएगा, घाटे में जाएगा। ये गोल्डन टिप्स याद रखिए दोस्तों, हमारे पुराने वीडियो जरूर देखिए दोस्तों। कोई भी दिक्कत हो मुझसे डायरेक्ट कॉल करके आप बात कर सकते हैं जो स्क्रीन में नंबर फ्लैश हो रहे हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।